दोस्तों राजस्थान की धरती बहुत ही सुनहरी है और बोलते हैं मिट्टी सोना उगलती है, और साथ में यहाँ बहुत सारी जो संपदा है, संसाधन है, वो पाए जाते हैं। तो देखिए माँ, आपको आज राजस्थान झुंझुनू के अंदर तहसील खेतड़ी है, इससे मैं इसके बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। दोस्तों सबसे पहले तो बात करेंगे जो ये रोड है इसकी। दोस्तों ये रोड है जो ये अपनी दो गांवों को जोड़ने वाली है, बारावाली एंड द्रिलपरा, तो उसको जोड़ती है, ठीक है। और दूसरा जो ये नदी है, ये नदी आप देख रहे हो, ये नदी है कांतली नदी, जो झुंझुनू चूरू और सीकर की सीमाओं में प्रवाहित होती है, ठीक है। और यहाँ का जो सबसे बड़ा, देखिए रेगिस्तान की भूमि में अगर जल मिले तो वो अमृत समान होता है। तो आप ये यहाँ पे ये पाइपलाइन देख रहे हो, और ये जल है, कंटिन्यू है, यहाँ पे फ्लो हो रहा है और ये इधर जाके वहाँ इकट्ठा हो रहा है, ठीक है। देखिए ये जल है, यहाँ जो पंछी हैं और यहाँ जो भी जीव रहते हैं उनके लिए तो एक ये अमृत ही है, क्योंकि और कहीं वैसे पानी की व्यवस्था है नहीं, तो पानी का लेने की व्यवस्था यही है। तो ये अपनी जो नहर जो राजस्थान में जल परियोजना है उसका एक हिस्सा है, और यहाँ पे जो पानी प्रवाहित हो रहा है, ये लाइन छोड़ी गई है यहाँ पे, जो गैस बनती है, गैस को आउट करने के लिए छोड़ी गई है, ताकि क्या है जो पानी का फ्लो है वो ठीक से होता रहे। तो ये बहुत ही अच्छा है, यहाँ पे जो भी आने वाले जो लोग यहाँ आते हैं, मतलब इस रास्ते से आने जाने वाले हैं, वो भी यहाँ पे पानी का इस्तेमाल कर लेते हैं, जो रागीर हैं वो भी। और साथ में यहाँ पे देखिए एक हरियाली तो बनी रहेगी यहाँ पे, ठीक है। और साथ में यहाँ पे जो यहाँ माइनिंग का काम तो चलता ही चलता है, यहाँ जो बजरी मिट्टी होती है, बजरी और बालू, देखिए दोस्तों दो चीज़ होती है तो आपको थोड़ा बता दूँ मैं। देखिए बजरी यहाँ देखिए आप देख रहे हो, इसके अंदर जो अगर महीन मिट्टी रहेगी, बारीक रहेगी, वो बालू है, लेकिन ऐसे उसमें रवे रहेंगे ना, ऐसे मोटे कण रहेंगे, वो रहेगी बजरी, जिसकी कीमत है, जो यहाँ लेयर्स में चलती है। कहने का मतलब जैसे लेयर आएगी, उसमें ऊपर ऊपर बालू आएगी, फिर थोड़ा बजरी आएगा, फिर चिकनी मिट्टी आएगी, उसके बाद से फिर से बजरी आएगी। तो इस प्रकार से ये क्या चलती रहती है। और यहाँ पे पास में देखिए ये जो अच्छे खासा जो वृक्षारोपण है वो इधर किया गया है, और पास में क्या जो पानी का टंकी है उसकी भी व्यवस्था है यहाँ पे। सो बहुत अच्छी चीज़ें हैं ये। और यहाँ पे जो माइनिंग है, चेक पोस्ट है, उसका बोर्ड भी है, मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा नज़दीक जाके, ताकि आप लोगों को भी मालूम चल सके। देखिए ये है चेक पोस्ट कांकरिया नाका, मातेश्वरी मिनरल्स, तहसील क्षेत्र कांकरिया खेतड़ी झुंझुनू। और यहाँ पे एक छोटा बजरंगबली का भी मंदिर है, और यहाँ पे ये डोगी परमानेंट रहता है, यहाँ का रक्षक मान सकते हैं आप इसको। तो माइनिंग का काम ऐसे चलता है, और उसमें आस पड़ोस के जो लोग हैं वो अपना जो गुजारा है वो ट्रैक्टर हैं उनमें बजरी भरकर चलाते हैं। और देखिए ये मंदिर है, और ये पानी का टैंक है, और इस पानी के टैंक में पानी की सप्लाई निरंतर टैंक से करवाई जाती है। और आप ये बोर्ड देख सकते हो कि है किसने बनाया है, ये किसने बनाया है, ये देख लीजिए आप, ठीक है। नाम दिखाई दे गया होगा आपको, तो बहुत ही शानदार काम किया है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और जो नया भाई चैनल को फर्स्ट बार देख रहा है वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। मिलता हूँ एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जय हिंद, गुड बाय।